टुडे वी विल सी अबाउट न्यूरल और नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो देखते हैं न्यूरल और नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो न्यूरल और नर्वस टिश्यू देखेंगे तो ये क्या होते हैं, इनका ओरिजिन, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू देखे थे, और ये क्या होता है, इनका ओरिजिन क्या होता है बता चुके थे, देयर ओरिजिन इज एक्टोडर्मल, ठीक है। तो ये इनका ओरिजिन पहला देखते हैं, दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो जितने भी नर्वस टिश्यू हैं, न्यूरल टिश्यू, इनका ओरिजिन क्या है, दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। एक्सेप्शन था, एक्सेप्ट याद रखेंगे कौन सा, माइक्रोग्लियल सेल्स, एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल्स, जिनका की ओरिजिन क्या था, विच आर और हैव मीजोडर्मल ओरिजिन, इनमें ओरिजिन क्या होता था, मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। तो याद रखेंगे इनमें सिर्फ मीजोडर्मल ओरिजिन है। तो कौन सा ऐसा न्यूरल टिश्यू है जिनका ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऑल आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल्स विच हैव कैसा, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो माइक्रोग्लियल सेल्स क्या है अभी हम देखेंगे, ये एक्चुअली में क्या है, दे आर सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, दे आर सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, और ये मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट याद रखेंगे, इसमें सेंट्रियोल जो न्यूरल टिश्यू होते हैं, इसमें सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एबसेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, आर एबसेंट, ठीक है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स पढ़े होंगे सेल ऑर्गेनेल्स, तो सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनेल इसमें एबसेंट होता है। अब सेंट्रियोल एबसेंट होगा तो क्या होगा, पावर ऑफ सेल डिविजन क्या होगा, एबसेंट होगा, ठीक है। तो सेल डिविजन इसमें क्या हो गया, सेल डिविजन, इसीलिए इसमें क्या होगा, सेंट्रियोल एबसेंट है तो सेल डिविजन क्या होगा, एबसेंट होगा, ठीक है। और सेल डिविजन जब एबसेंट होगा तो अगर इनको इन विट्रो कल्चर करना है तो कर पाएंगे हम न्यूरल टिश्यू को, नहीं, न्यूरल वगैरह को अगर कल्चर करना है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सेल डिविजन एबसेंट, ठीक है, इन विट्रो कल्चर इज क्या, एबसेंट, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं सेंट्रियोल्स आर एबसेंट, हेंस पावर ऑफ सेल डिविजन इज एबसेंट, हेंस नो इन विट्रो कल्चर, नो इन विट्रो कल्चर, ठीक है, ऑफ दिस टिश्यू, ठीक है। तो इस टिश्यू का मतलब क्या हुआ, न्यूरल टिश्यू ऑफ दिस टिश्यू, ठीक है। तो इन विट्रो कल्चर इसका हम लैब में अगर कल्चर करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखेंगे तो इनमें क्या होता है कि दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं मेनली, इट हैज टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक है, टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, दैट इज एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्या हुआ कि न्यूरॉन में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक कहेंगे सेल बॉडी और साइटोन, और दूसरा कहेंगे दैट इज एक्सॉन, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि साइटोन जो होते हैं उसमें डेंड्रॉन होते हैं, ठीक है, और डेंड्रॉन पर क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज वहां बाइंड किया तो उसको स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, और नर्व स्टिमुली जो है ये क्या हुआ, नर्व इंपल्स बनाता है, और वो नर्व इंपल्स का क्या होगा, डेंड्रॉन से कहां जाएगा, दैट इज सेल बॉडी साइटोन में जाएगा, और वहां से फिर क्या हो गया, एक्सॉन क्या है, आगे की ओर कंडक्शन करेगा। तो देख रहे हैं क्या हुआ, एक्साइटेबिलिटी मतलब स्टिमुलिटी, स्टिमुलस भी दे रहा है और प्लस कंडक्टिविटी भी कर रहा है नर्व इंपल्स का, तो दोनों प्रॉपर्टीज है। तो कौन से दो प्रॉपर्टी है आपको ये याद रखना है कि एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है, मतलब दे कंडक्ट नर्व इंपल्स एंड क्या करते हैं, ये एक्साइट भी करता है, एक्साइट करके स्टिमुलस मतलब प्रोवाइड करता है और फिर वो कंडक्शन में करता है, ठीक है, दो प्रॉपर्टी। इसके बाद देखेंगे क्या कि कनेक्टिव टिश्यू जो है ना इसमें एब्सेंट होता है, न्यूरल टिश्यू है ना तो इसमें कनेक्टिव टिश्यूज आर एब्सेंट वगैरह, हेंस क्या होगा, सपोर्टिंग सेल्स जो है ना न्यूरल जैसे कि सपोज कनेक्टिंग सेल्स एब्सेंट है तो दो न्यूरल सेल्स को कनेक्ट जो करने वाले सेल्स कौन होंगे कोई ना कोई, तो उसको कहते हैं ग्लियल सेल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट लैक्स कनेक्टिव
टिश्यू, तो ये कनेक्टिव टिश्यू इसमें नहीं होता है, याद रखेंगे। इट लैक्स कनेक्टिव टिश्यू, ये याद रखना है, इट लैक्स कनेक्टिव टिश्यू। सो न्यूरॉन सेल्स, सो सेल्स ऑफ न्यूरॉन, सेल्स ऑफ न्यूरॉन ठीक है, आर हेल्ड टुगेदर बाय, हेल्ड टुगेदर बाय, तो ये हेल्ड टुगेदर कैसे हैं, बाय सपोर्टिंग सेल्स ना, बाय सपोर्टिंग सेल्स, बाय सपोर्टिंग सेल्स ठीक है। और उस सपोर्टिंग सेल्स को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सपोर्टिंग सेल्स, दैट इज कॉल्ड, दैट इज ग्लियल सेल्स कहते हैं, ग्लियल, और वी कैन से ग्लियल और न्यूरो ग्लियल सेल्स ठीक है। तो कह सकते हैं कि अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें दो पार्ट होते हैं ठीक है, एक तो नर्व सेल तो होगा ही होगा न्यूरॉन, और इसके बाद नर्व सेल के बीच में कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कि इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं, इसको कहते हैं ग्लियल सेल्स ठीक है। तो ये कनेक्ट करने वाला कौन है, दैट इज क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू नहीं है तो ये क्या कर रहा है, ग्लियल सेल्स का यहाँ पर सपोर्टिंग रोल है ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट, अब ये देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि ये नर्वस टिश्यू देख रहे हैं, तो नर्वस टिश्यू जो देख रहे हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, इट हैज नर्वस टिश्यू इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, एक को कहते हैं इट कॉन्सिस्ट, चाहे से कर सकते हैं, इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, और ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो पहला जो हम देखेंगे उसको कहते हैं दैट इज न्यूरॉन, फर्स्ट को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज न्यूरॉन, और सेकेंड जो कहेंगे क्या है, दैट इज नोन एज न्यूरोग्लियल सेल्स ठीक है। तो दो पार्ट है ना, तो कौन कौन से दो पार्ट हैं, तो पहला जो है न्यूरॉन ठीक है, पहला क्या है, फर्स्ट इज न्यूरॉन एंड सेकेंड इज व्हाट, न्यूरोग्लियल सेल्स ठीक है। तो इसके दो पार्ट है, कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज न्यूरॉन लिख दे रहे हैं, फर्स्ट न्यूरॉन है और सेकेंड क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स ठीक है। तो देखते हैं, तो ये हो गया न्यूरॉन, न्यूरॉन्स इसी को कहते हैं नर्व सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नर्व सेल ठीक है। न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल ठीक है, न्यूरॉन और नर्व सेल। और दूसरा देखेंगे तो सपोर्टिंग सेल्स हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, दैट इज नोन एज ग्लायल सेल्स ठीक है, और ग्लायल और न्यूरोग्लियल सेल्स, क्या कहेंगे इसको, न्यूरोग्लिया भी कह सकते हैं, और ग्लियल एक ही चीज है, न्यूरोग्लियल सेल कहिए, ग्लियल सेल और न्यूरोग्लिया सेल्स ठीक है। तो न्यूरोग्लियल सेल्स ये दो हो गए ठीक है। तो कह सकते हैं नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ क्या, फर्स्ट इज न्यूरॉन्स नर्व सेल एंड सेकेंड इज क्या, ग्लियल सेल्स और कौन सा, न्यूरोग्लियल सेल्स। तो ये दोनों के बारे में हम डिटेल अभी पढ़ेंगे। और दूसरा कौन सा है, दैट इज नोन एज ग्लियल सेल और न्यूरोग्लियल और न्यूरोग्लिया सेल्स भी कह सकते हैं ठीक है। यहां देखिए, अब ये न्यूरॉन्स जो देखेंगे ठीक है, न्यूरॉन्स ठीक है, दिस न्यूरॉन्स इज फर्दर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, मतलब इस न्यूरॉन के भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं इसमें, न्यूरॉन में हम पढ़ेंगे तो कौन कौन से दो पार्ट होंगे, तो एक को कहते हैं दैट इज नोन एज, यहां लिख दे रहे, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज साइटोन ठीक है, क्या कहते हैं इसको, साइटोन और सेल बॉडी ठीक है, और इसी को कहते हैं सोमा ठीक है, और इसी को कहते हैं एक और नाम कहते हैं सोमा और पेरिक्वायरियम, तो इसी को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सोमा, इसी को कहते हैं पेरिकैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस ठीक है, तो एक इसमें न्यूक्लियस होता है तो पेरिकैरियन, साइटोन मतलब सेल बॉडी, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है लगभग सब इसी में प्रेजेंट होगा, सेल लाइक स्ट्रक्चर ठीक है। तो साइटोन सेल बॉडी स्ट्रोमा और पेरिकैरियन, एंड सेकेंड इज इसको कहते हैं नर्व प्रोसेस, नर्व और आप कह सकते हैं सेल प्रोसेसेस, सेल प्रोसेस ठीक है, और इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं, इसी को न्यूराइट्स भी कहते हैं, और न्यूराइट्स क्या कहते हैं, न्यूराइट्स ठीक है। तो सेल प्रोसेस और न्यूराइट्स ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसी को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज नर्व प्रोसेस और सेल प्रोसेस एंड न्यूराइट्स ठीक है। अब ये न्यूराइट्स क्या होता है ठीक है, इस न्यूराइट्स को देखेंगे ठीक है, तो इसको बांट दिया गया है दो कैटेगरी में, मतलब कि न्यूराइट्स में दो पार्ट्स होंगे, कौन कौन से दो पार्ट्स होंगे, तो एक पार्ट जो होगा उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज डेंड्रॉन,
रोडोडेंड्रॉन, और दूसरा जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज एक्सन. क्या कहेंगे उसको? एक्सन कहेंगे, एक्सोन एक्सन. ठीक है, तो न्यूराइट मतलब अगर पूछेगा न्यूराइट कहेगा तो न्यूराइट मीन्स डेंड्रॉन एज वेल एज एक्सन, सेल बॉडी को छोड़ के. ठीक है, तो ये सेल बॉडी और नर्व प्रोसेस है, न्यूराइट्स के बने हैं. ठीक है, तो ये याद रखेंगे. तो ये कौन सा है? सेल बॉडी और साइटोन. ठीक है, और इसमें न्यूराइट्स इंपॉर्टेंट है, और सेल बॉडी तो है प्रोसेस. ठीक है, और देखिए डेंड्रॉन और एक्सन के बने हुए. ठीक है, ये पढ़ेगा, यहां पर देखते हैं. ये क्या है? ग्लियल सेल्स जो देखेंगे. ठीक है, ये ग्लियल सेल्स, ये ग्लियल सेल्स क्या होते हैं? ये तीन तरह के देखेंगे होते हैं ग्लियल सेल्स. ग्लियल सेल्स इज ऑफ थ्री टाइप्स. ठीक है, तो तीन तरह के इसमें ग्लियल सेल्स हम देखेंगे. ठीक है, तो तीन तरह के जो ग्लियल सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसको कहते हैं दैट इज नोन एज माइक्रोग्लियल सेल्स. अभी हम बताए थे यहां पर माइक्रोग्लियल सेल्स, ये वाला. तो इसको क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज माइक्रो, MICROGLIALDL सेल्स. ठीक है, क्या कहेंगे? माइक्रोग्लियल सेल्स. ठीक है, दूसरा क्या है? ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल्स. दूसरा दैट इज नोन एज एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स. ठीक है, और तीसरा जो लिखेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो थर्ड वन इज नोन एज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. क्या कहते हैं? ओलिगो डेंड्रोसाइट्स. ठीक है, तो तीन तरह का हो गया, साइट्स हो गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लियल सेल्स. ठीक है, और आप इसको हम कह सकते हैं, एक और भी कह सकते हैं माइक्रोग्लियोसाइट. और क्या कह सकते हैं? माइक्रोग्लियल है ना, तो माइक्रोग्लियोसाइट्स. तो कह सकते हैं माइक्रोग्लियोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट और ओलिगोडेंड्रोसाइट. ठीक है, ये तीन. अब यहां देखिए कि अगर पूछ देगा कि लार्जेस्ट कौन सा ग्लियल सेल्स है, न्यूरोग्लियल सेल्स. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो होता है दिस इज माइक्रो नाम से लग रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये वाला स्मॉलेस्ट होता है. ठीक है, ये क्या होगा? इट इज स्मॉलेस्ट. ठीक है, नेम द स्मॉलेस्ट ग्लियल सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स. ये और लार्जेस्ट अगर कह देगा कौन सा है, तो एस्ट्रोसाइट. इसको माइक्रोग्लियल सेल्स भी आप कह सकते हैं. तो माइक्रोग्लियल सेल्स इज एस्ट्रोसाइट, स्टार शेप्ड होता है इसलिए एस्ट्रोसाइट. तो ये क्या हो गया? दिस इज लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स कौन सा है, ये हो गया, और स्मॉलेस्ट कौन सा है? माइक्रोग्लियल सेल्स. ठीक है, अभी फंक्शंस हम देखेंगे. ठीक है, तो हम न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, तो न्यूरॉन्स में पढ़ रहे हैं कि न्यूरॉन्स में दो पार्ट हैं. ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट हैं? तो दो पार्ट हैं, दैट इज कह सकते हैं साइटोन और नर्व प्रोसेस, दैट इज एक्सन और डेंड्रॉन. ठीक है, और इधर ग्लियल सेल्स. ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा देखते हैं क्या है कि इनका काम क्या है. अभी तो बताएं न्यूरॉन सेल, अभी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर. तो इनका काम क्या है कि किसी भी नर्व इंपल्स का को बनाना, ठीक है, और कंडक्शन करना इनका काम है. तो नर्व सेल जो है क्या है, और ये कह सकते हैं न्यूरॉन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या? नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ये न्यूरॉन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल, लिख दे रहे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो किसी भी नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. मतलब कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? दे आर मेड अप ऑफ मेनी नर्व्स. ठीक है, दूसरा इनका फंक्शन क्या हो गया? इनका फंक्शन अगर देखेंगे तो इनका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. तो लिख दे रहे सीधे, इट हेल्प्स इन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स का कर रहा है. ठीक है, तो ये हो गया. ये देखते हैं ग्लियल सेल्स है, माइक्रोग्लियल सेल्स है. ठीक है, तो यहां पर जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ क्या है? ये और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स. तो इनका काम ये है. ठीक है, तो इनका काम है जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. ठीक है, जैसे ही स्टिमुलस होता है, एक्साइटेबिलिटी है ना, तो स्टिमुलस जैसे मिला वो साइटोन को भेजता है, साइटोन आगे की ओर भेजता है, कंडक्ट कर देता है, दैट इज कहां? एक्सन के टर्मिनल के पास. ठीक है, पढ़ेंगे भी. ये क्या है ग्लियल सेल्स के बारे में? ठीक है, तो ग्लियल सेल्स एक्चुअली में क्या है? ये तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल है. ये ग्लियल सेल्स जो देखेंगे,
ये एक्चुअली में क्या है, सपोर्टिंग सेल्स है, ठीक है, दे प्रोवाइड सपोर्टिंग सेल्स है ना, बताया था ना, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है तो सपोर्ट पकड़े रहता है ना, सपोर्टिंग सेल्स ये, तो ये क्या करता है, इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द क्या, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को क्या कर रहा है ये ना, तो ये क्या हो जाएगा इसके काम, प्रोटेक्ट, तो इसको हम दूसरे कलर से लिख दे, इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द, इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, सपोर्ट न्यूरॉन और नर्व सेल, ठीक है, ये और नर्व टिश्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन करता है, पहला याद रखना, दूसरा याद आपको क्या रखना है कि ये जो देख रहे हैं ग्लियल सेल्स, ठीक है, तो ये ग्लियल सेल्स क्या करेंगे, ये एक्चुअली में अगर देखेंगे ना कि टोटल नर्वस सिस्टम जो भी है नर्वस टिश्यू उसका कितना होगा, 50% अकेले, हाफ अकेले है ये, इतना, ठीक है, तो इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट क्या, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट कितना परसेंट, 50% और हाफ, आप एनसीईआरटी में दिया हुआ हाफ, ठीक है, हाफ ऐसे लिख दे रहे हैं, हाफ, ठीक है, 50% इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट हाफ और 50% ऑफ टोटल क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या, नर्वस टिश्यू, तो जितना भी नर्वस टिश्यू है उसमें ये कितना होगा, ये याद रखेंगे कि इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट हाफ, ये इंपॉर्टेंट है, 50%, ठीक है, ये, और ये सपोर्ट करता है, तो ये कितना है, हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है, तो दोनों में अगर देख लें कि न्यूरॉन क्या करता है, कंडक्शन रिजर्वेशन करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन करता है, अब सपोर्ट और प्रोटेक्शन क्या करता है वो हम देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर कुछ देख रहे हैं कि माइक्रोग्लियल सेल्स जैसे है, क्या है, माइक्रोग्लियल सेल्स, तो ये माइक्रोग्लियल सेल्स क्या करता है, ठीक है, ये जो देखेंगे ये फैगोसाइट है, फैगोसाइटोसिस करता है, जैसे सपोज ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन टिश्यू है ना, तो ब्रेन में अगर मैक्रोफेज होगा तो उसी को कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है, तो ये क्या होगा, मैक्रोफेज कह सकते हैं, मैक्रोफेज ऑफ ब्रेन, ठीक है, ऑफ ब्रेन, और आप सीधे कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मैक्रोफेज है ब्रेन, ठीक है, तो मैक्रोफेज ऑफ ब्रेन इज नोन एज व्हाट, माइक्रोग्लियल सेल्स, बहुत छोटा होते हैं, ठीक है, और ये मैक्रोफेज है तो इनका काम क्या हो जाएगा, इनका काम क्या होगा, फैगोसाइटोसिस, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर करता है तो इनका काम क्या होगा, फैगोसाइटोसिस, सफाई करना है उसको, ठीक है, तो ये देखिए फैगोसाइटोसिस ये क्या है, प्रोटेक्शन कर रहा है एक तरह से, ठीक है, आगे एस्ट्रोसाइट है, ठीक है, तो एस्ट्रोसाइट क्या करता है, ठीक है, तो एस्ट्रोसाइट जनरली अभी बताया था ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स वगैरह में रिपेयर वगैरह सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, ठीक है, तो रिपेयर कौन करेगा, कोई नहीं करता है, ठीक है, तो रिपेयर वगैरह के लिए क्या होगा, ठीक है, यहां देखिए सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट, सर्विलीज आर एब्सेंट, रिपेयर वगैरह नहीं होगा, नो कल्चर बताया था, तो यहां पर क्या होगा, ये एक्चुअली रिपेयर ऑफ नर्वस टिश्यू अगर है ना तो रिपेयर ही करता है, ठीक है, इट हेल्प्स इन रिपेयर, तो इधर रिपेयर ऑफ नर्वस टिश्यू, रिपेयर ऑफ नर्वस टिश्यू कौन करता है, नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू का रिपेयर ये करता है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं फैगोसाइटोसिस करता है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन फैगोसाइटोसिस, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आ गया, इनका फंक्शन क्या है, रिपेयर ऑफ नर्वस टिश्यू ये करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, दूसरा एक फंक्शन और है, इट फॉर्म्स ब्लड, ठीक है, इसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, तो ये देखिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, कहने का मतलब ब्रेन और ब्लड वेसल उसके चारों तरफ है ना, उसके बीच में एक बैरियर बनाता है ये, ठीक है, अब बैरियर ये क्या करेगा, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको जाने से अंदर ब्रेन में क्या करेगा, रुकेगा, ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्लड ब्रेन बैरियर, द फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर इज टू क्या कर सकते हैं, इज टू स्टॉप, ठीक है, और प्रिवेंट एंट्री ऑफ, ठीक है, एंट्री ऑफ व्हाट, एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस इनसाइड द ब्रेन, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ऑक्सीजन CO2 ये सब न्यूट्रिएंट्स इनका जो ट्रांसपोर्ट है उसको नहीं रोकता है, ठीक है, तो ये हो गया, नेक्स्ट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स देखेंगे, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो साइटोन होता है, एक्सॉन होता है, ठीक है, एक्सॉन जो होगा ना नीचे, ठीक है, उसमें एक शीट होता है, उसको कहते हैं मेडुलरी शीट,
ठीक है, अभी देखेंगे स्ट्रक्चर। तो मेडुलरी शीट आखिर बनाता कौन है, वो यही बनाता है कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक पढ़ेंगे, उसमें भी बनता है मेडुलरी शीट और माइलिन शीट, लेकिन वहां पर एक दूसरा सेल बनाता है, उसको स्वान सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट देखेंगे, ठीक है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन लिख दे रहे बस, ये क्या करता है, इट फॉर्म्स कौन सा शीट, इट फॉर्म्स MYELIN, कौन सा शीट, इट फॉर्म्स माइलिन शीट, ठीक है। क्या करते हैं इसको, इट फॉर्म्स माइलिन, यहां लिख दे रहे हैं, इट फॉर्म्स माइलिन शीट, और इसी को क्या करते हैं, मेडुलरी शीट भी कह सकते हैं, माइलिन, और वी कैन ऑल्सो से इट एज मेडुलरी, MEDULLARY, मेडुलरी शीट, ठीक है। मेडुलरी शीट अराउंड कहां पर, तो देखिए फॉर्म्स मेडुलरी शीट, ठीक है, SHEATH शीट, ठीक है, एक मेडुलरी शीट है। अब मेडुलरी शीट क्या है, अभी हम पढ़ेंगे, ये एक्चुअली में स्पिंगोमाइलिन लिपिड एक होता है, उसका बना होता है, और इस व्हाइट कलर का होता है ये, ठीक है। तो इट फॉर्म्स माइलिन और मेडुलरी शीट अराउंड कहां पर, किसके अराउंड, नर्व फाइबर्स ना, अराउंड नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स कहने का मतलब क्या हुआ, साइटोन ऊपर वाला था, नीचे वाला एक्सन, अराउंड एक्सन आप कह सकते हैं, ठीक है। इन कहां पर, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इट फॉर्म्स माइलिन शीट अराउंड नर्व फाइबर्स, इन कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो भी कहें, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ब्रेन, ठीक है ये। लेकिन लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि माइलिन शीथ जो होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है, ठीक है। तो वहां पर स्वान सेल्स होंगे, अभी हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इस तरह हो गया, ठीक है। इन ब्रेन एंड क्या कह सकते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों आते हैं ना, तो इन दोनों में हम क्या देखेंगे कि ये कर रहे हैं। तो आपको याद क्या रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है कि फैगोसाइटोसिस, इनका फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है नर्वस टिश्यू का डैमेज है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहा है जो कि हार्मफुल सब्सटेंस को एंट्री करने से रोक रहा है, और ये क्या बनवा रहा है, फॉर्म्स माइलिन शीथ और मेडुलरी शीथ अराउंड कहां पर, माइलिन शीथ, इन कहां पर, माइलिन शीथ, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो CNS में ये माइलिन शीथ बनाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया, ये इनका फंक्शन है। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट्स नर्वस टिश्यू, ठीक है, उसको कर रहा है। और दूसरा क्या है कि ये वॉल्यूम ऑफ नर्वस टिश्यू का कितना होता है, ये हाफ होता है, ठीक है, ये याद रखना है।